देखो बेटे, सुपरपोजिशन ऑफ ये क्या कहता है बेटे कि अगर एक वेव ये है और एक दूसरा वेव है इस तरीके से, एक तीसरा वेव है ऐसा, तो वेव क्या था? इट्स ओनली द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस कैसे होगा जरा देखते हैं बेटे। ये जो कंटिन्यूस लाइन है बेटे, ये अगर एक वेव है तो ये इस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस करना चाहेगा, है या नहीं? जो ये डॉटेड लाइन वाला वेव है बेटे, ये जा रहा है, भूल जाओ पहले वाले वेव को, तो ये इस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस करता, एक ये जो बड़ा वाला है वो इस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस करता। ये कब? जब ये सिंगल सिंगल होता, यानी एक बार इसको पास किया तो ये पार्टिकल उस टाइम पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, इतना नीचे। ये जो डॉटेड वाला पार्ट वेव है वो अगर हम देते अकेला तो ये इस पार्टिकल को क्या करता, ऊपर के लिए इतना डिस्प्लेस करवाता, फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया, फिर मैंने ये वेव डाला, समझ रहे हो ना, ये वाला। तो इसमें देख बेटे, इसका मेन पोजीशन ये है, तो ये इस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं एक साथ तीनों को डाल दू, क्या करूं बेटे, एक साथ तीनों वेव को डाल दू, तो क्या होगा? ये वाला वेव इसे इतना नीचे लेके आना चाहेगा वाई वन, ये जो ये वाला वेव है ये इसे ऊपर लेके जाना चाहेगा कितना, वाई टू, ये जो तीसरा वेव है बेटे वो इसको इतना नीचे लेकर के आना चाह रहा है, दैट इज वाई थ्री। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ? दैट इज कि इफ टू और मोर वेव स्ट्राइक अ पार्टिकल, स्ट्राइक मतलब फॉल, समझ में आ रही बात ना, अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, साइमल्टेनियसली, समझे बेटे, एक ही टाइम पे, यानी कि ये आज डिस्प्लेस किया वो कल आके डिस्प्लेस कर, तब तो अलग अलग हो गया, मैं एक ही टाइम पे बात कर रहा हूं, क्लियर? देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल पे वो फॉल कर रहा है बेटे, विल बी वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय each and every wave if fall individually at same point ya phir same particle at same time, samajh rahe hain? एग्जाम्पल समझाते हैं बेटे, सपोज ऑरिजिन ये है, यहां से ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और इस पार्टिकल का मैं डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड पे देख रहा हूं, किसके लिए, फर्स्ट वेव के लिए, कि वो कितना कर रहा है,
वाई बन जाता है। दूसरे वेव के लिए भी मैं कितने डिस्टेंस वाले पार्टिकल को देख रहा हूं, एक्स वाले, कितने टाइम पे देख रहा हूं, 3 सेकंड पे। तीसरे वेव के कारण, क्योंकि हर पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा ना, बेटा समझ रहे हो ना, ये तीसरा वेव है सपोज, तो ये वाले पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस कराएगा, ये वाले पार्टिकल को इतना ही डिस्प्लेस कराएगा, ये वाले पार्टिकल को ऊपर के लिए डिस्प्लेस कराएगा, तो डिफरेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो आपने क्या किया, फिक्स कर लिया कि हमें इसी पार्टिकल का देखना है, समझ में आ रही बात। तो ये Y3 करवाता कब, जब अकेला अकेला फॉल करता तब। अब मैंने तीनों को एक साथ दे दिया है तो तीनों क्या करेगा, डिस्प्लेस कराने की कोशिश करेगा, तो ये बेचारा किधर के लिए डिस्प्लेस करेगा, दैट इज वाई नेट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू वाई वन वेक्टर प्लस वाई टू वेक्टर प्लस वाई थ्री वेक्टर डॉट डॉट डॉट। समझे या नहीं समझे, ये था बेटे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रहा है ना। अब जरा इस पार्टिकल को देख बेटे, कि जिस पार्टिकल को मैंने अकाउंट में लिया है वो कुछ भी डिस्प्लेस करता है, क्या करता है, कुछ भी डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी कोई एक ही होगी ना बेटे। अरे मैं इस पे एक फोर्स लगाऊं, ठीक है, इधर के लिए, क्योंकि मेरी टेंडेंसी इधर फोर्स लगाने की है। कोई दूसरा बंदा आया, मैं जब नहीं था, तो वो उसको इधर के लिए डिस्प्लेस करता है और इतना डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्या हुआ कि अचानक हम दोनों ही एक साथ आए इस पार्टिकल पर, तो मैं इसको इधर डिस्प्लेस करना चाहूंगा और ये उसको उधर डिस्प्लेस करना चाहेगा, तो ये बेचारा पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा या दो दो डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, दैट विल द रिजल्टेंट। मैं यही चीज समझा रहा हूं बेटे कि इसकी वायलेट जो होगी कोई एक ही होंगे और वो रिजल्ट होगा किसका, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डॉट डॉट डॉट। एनी डॉट, पक्का समझ में आ रहा है। फिर याद कीजिए बेटे, एसी जब मैंने पढ़ाया था, अच्छा दूसरी बात यह कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक हुआ, कुछ भी हुआ, पता नहीं कितना हुआ, इतना डिस्प्लेस अगर ये हो रहा है बेटे और ये फिर छोड़ दिया जाए, तो ये इसी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा, करेगा ही नहीं। तो हमें सिर्फ इस पार्टिकल के बारे में बात करना है, तो पूरा वेव बात करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं। तो एसी में मैंने समझाया था कि अगर एक वेव है ऐसे, तो इट कैन बी कंसिडर्ड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद आ रहा है ना। उसमें मैंने ये भी समझाया था बेटे कि ये आपका आई नॉट है, ये भी आपका आई नॉट है, तो ये आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे हुआ था, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई डाउट है बेटे, पक्का समझ में आ रहा है। तो चल मैं एग्जांपल लेता हूं कि लेट, बहुत सारे वेव ले सकते हैं बट मैं कितने को लेके चल रहा हूं, दो वेव को, तो लेट वन वेव फॉलिंग एट अ पर्टिकुलर पार्टिकल, कॉज डिस्प्लेसमेंट विच इज गिवन बाय वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम इसी तरीके से निकालेंगे, वेव होता तो इसके साथ प्लस माइनस के एक्स भी होता, बट उस केस वो तब होता जब मैं एक्स अलग अलग लेता, हमने एक्स तो फिक्स कर रखा है कि मुझे इसी पार्टिकल के बारे में बात करनी है, तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब सेकेंड वेव फॉलिंग ऑन द सेम पार्टिकल, उसके कारण भी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज वाई टू। तो दूसरा वेव है बेटे, तो उसका एम्पलीट्यूड अलग भी तो हो सकता है ना, दिख रहा है ना यहां पे, तो इसका एम्पलीट्यूड मान लो कि बी, कोई डाउट। अब
साइन ओमेगा टी हमने लिखा, बट जरूरी तो नहीं ना कि दोनों का सेम फेज भी हो, यानी एक नीचे के लिए आए तो दूसरा भी नीचे के लिए आए, सब नहीं था ना, एक ऊपर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है, कितने का है बेटे, थीटा का है। कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रहा है? थीटा की जगह पर फाइव ले लो ताकि आपके बुक के साथ मैच कर जाए, क्योंकि वहां नहीं ठीक है, चलो थीटा है। कितना है थीटा है, क्लियर? ये किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किस टाइम पे बात कर रहे हैं, टी टाइम पे बात कर रहे हैं, यानी साइमल्टेनियसली, समझ में आ रहा है ना, एट सेम टाइम, सेम टाइम, समझ में आ रही बात। तो वाई नेट जो होगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस एनी डॉट। जरा हम इस इक्वेशन को फिर से आपको इस सर्कुलर मोशन के बेसिस पे समझाते हैं बेटे, समझो। ये देखो बेटे कि ये आपका पहला वेव है, यानी कि फर्स्ट ऑसिलेशन, उसको आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शो कर सकते हो। उस केस में टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। अरे टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब ये इसका मीन बताया था ना ऐसे ही, तो यहां पर टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू टी पे यहां पहुंच गया, ये कितना एंगल बनाया ओमेगा टी, और ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, समझ में आ रहा है ना, दिस इज एम्पलीट्यूड, यानी इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो ये भी कितना है ए, ये ओमेगा टी है, तो दिस विल बी ए साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटे, ठीक है, मैं दूसरा वेव लेता हूं बेटे, सेकेंड वेव, अब उसका एम्पलीट्यूड बी है, ए नहीं है, तो बी जो होगा वो ए से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, छोटे के लिए जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैं बड़ा ले लेता हूं, इसे भी आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो मैंने ऐसे किया। अब t इक्वल टू जीरो पे यहां नहीं है, देखिए t इक्वल टू जीरो अगर हम ले लें तो ये ओमेगा t तो जीरो हो गया, बट थीटा ऑलरेडी है तो साइन थीटा है, इसका मतलब t इक्वल टू जीरो पे ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है बेटे, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो जाएगा बट महसूस करना इस चीज को कि क्या समझाना चाह रहा है, ये ऑलरेडी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, तो टी टाइम में ये यहां पहुंच गया बेटे, क्लियर। अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट देख बेटे, ये होगा तो ये टोटल एंगल कितना बना बेटे, ये एंगल आपका ओमेगा टी और ये एंगल थीटा, तो ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका एम्पलीट्यूड कितना बी, तो ये कितना हो गया बेटे बी साइन, बहुत अच्छे बेटे, क्लियर, एनी डाउट। अब ये दोनों मिल करके उस पार्टिकल को ऑसिलेट करवा रहा है, तो फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा बेटे वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शो हो सकता है, यानी एक जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है वो भी एक वेव ही होगा। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेव ये है, तो अगर ये रिजल्टेंट है बेटे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वेव के कारण इस दोनों वेव के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर के लिए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो अकेला इसके कारण हो, उसी को तो रिजल्टेंट बोलते हैं हम, रिजल्टेंट किसको कहते हैं, इसी चीज को तो कहते हैं बेटे। तो मान लो कि इसका एज्यूम कर बेटे,
ब्लू ले लेता हूं, कि टी इक्वल टू जीरो पे ये कुछ और एंगल बना रहा है जो ना तो थीटा है ना ही जीरो है। तो मान लेते हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, फाइव। कितना एंगल बना रहा है बेटे, फाइव। और टी टाइम पे ये सपोज यहां पहुंच गया, थोड़ा आगे टी टाइम पे ये यहां पहुंच गया, तो अगेन इसने कितना एंगल कवर अप किया, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं बेटे, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टिंग का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं आर है, तो इट विल बी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आ रहा समझ में या नहीं? तो रिजल्टेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के कारण डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेट रिजल्टेंट बी हेल्थ एम्पलीट्यूड कितना आर एंड इनिशियल फेज कितना, इनिशियल फेज कितना है इसका फाइव, यही था ना। तो आर साइन ओमेगा टी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वाई नेट, और वाई नेट किसके बराबर है, वाई वन प्लस वाई टू के बराबर। तो ये हो जाएगा बेटे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कोई डाउट है तो पूछिए बेटे, पक्का समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? फिर इसके कारण मैंने इसका वाई लिया तो इस नेट वाई के बराबर होना चाहिए। तो बेटे इसका एक्स और इसका एक्स लेंगे तो इसके एक्स के बराबर होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? चलिए, तो इसका एक्स कितना होगा, दैट इज आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू पहले वाले का एक्स। देख बेटे ये था ना पहला वाला, तो ये था बेटे ए साइन ओमेगा टी, ये तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी वाले का, देख बेटे सेकेंड वाले का ये था बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो ये कितना हो जाएगा b cos थीटा रखा था, फाइव। थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो बेटे, पक्का? जरा इसकी बात करते हैं। तो एट अगर ये रिलेशन सही है बेटे, हर एक टाइम पे वैलिड है ये, अरे मैंने आर्बिट्री को टाइम लिया था, कोई पर्टिकुलर तो नहीं लिया था ना कि यहीं पे रखना है, मैंने टी टाइम लिया आर्बिट्री। तो एट टी इक्वल टू जीरो कितना होगा बेटे, ये आर साइन फाइव होगा या नहीं, क्योंकि ओमेगा टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देख बेटे टी इक्वल टू जीरो पे ये टर्म जीरो, तो साइन ओमेगा टी कितना, जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस ये कितना हो गया बेटे बी साइन थीटा। तो यहां से आया बेटे आर इक्वल टू बी आर साइन फाइव इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये आपके पास समझे या नहीं? जरा यहां पर भी देख बेटे, अगर ये रिलेशन भी सही है किसी भी टाइम के लिए वैलिड है, तो एट टी इक्वल टू जीरो कितना होगा बेटे, ये हो जाएगा आर कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बाद कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी अगर जीरो होता है बेटे तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो दिस इज टी प्लस ये कितना हो जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास हुआ, समझ में आ रहा है नहीं? सोच बेटे, हमने थीटा
लेट किया था देख, लेट रिजल्टेंट वेव हैज एम्पलीट्यूड आर एंड इनिशियल फेज एंगल फाइव। ये हमने लेट किया था ना, सोचा था कि ऐसा अगर कोई वेव बनेगा तो उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, कोई ना कोई इनिशियल फेज होगा, तो हमें आर तो निकालना पड़ेगा ना यार, ये आर कितनी होगी। यस सर। तो आर कॉस फाइव पता चल गया आपको कितना होता है, और आर साइन फाइव भी पता चल गया कि कितना होता है। आर चाहिए आपको, कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे बेटे, तो आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा। सर फिर अगर उसमें से आर कॉमन ले लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा बेटे? बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग और ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आया समझ में? तो यहां हो गया बेटे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव दैट इज इक्वल टू वन। तो यहां से आ गया बेटे आर स्क्वायर, यहां पर कर बेटे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। समझे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगेन किसके बराबर हो जाएगा? सो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? ये है आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे? पक्का? अब तो सुपरपोजिशन नहीं भूलोगे? समझ में आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं? चलिए नोट कीजिए।